दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्निकल मोहनलाली यूट्यूब चैनल को, बराबर में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों कैसे हैं आप, आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज का टॉपिक है हमारा सिविल रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड करें। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सिविल रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे आप सिविल रिपोर्ट को अपने निकाल सकते हैं। उसको आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड कैसे हम सिविल रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं मोहन टेक्निकल मोहनलाली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके सामने आया एक नई वीडियो नई टेक्निक के साथ। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और में सभी को शेयर भी करें, जो इस वीडियो का सभी को लाभ हो पाए और सभी इस वीडियो को देख पाएँ और सभी सीख पाएँ कैसे अपनी सिविल रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से हम अपनी सिविल रिपोर्ट को देख भी पाएंगे। तो फ्रेंड आइए सीख लेते हैं कैसे अपनी सिविल रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड क्या करना होगा, अपनी वही ऐप आपको ओपन कर लेनी है, पैसा बाजार ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड आप ओपन करते हैं तो देख लीजिए आपका जो इंटरफेस होगा इस टाइप का ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपको पर्सनल लोन लगा नज़र आ रहा है, क्रेडिट कार्ड नज़र आ रहा है, उसके बराबर में आपको नज़र आ रहा है क्रेडिट रिपोर्ट। जैसे ही क्रेडिट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हैं आपका जो है सिविल रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपका स्कोर जो भी होगा इधर आपका शो कर जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जब भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्कोर था वो था 703 और अभी जो मेरा सिविल स्कोर हो गया है 753, जो इंक्रीज होके बढ़ के अब हो चुका है, मतलब 50 पॉइंट मेरे सिविल के अंदर बढ़ चुके हैं। तो आप इस सिविल को कैसे बढ़ाएंगे, तो फ्रेंड आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसी टेक्निक वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे आप अपने सिविल को इंक्रीज भी कर पाएंगे और भी ज़्यादा हाई कर पाएंगे और अपनी प्रोफाइल को और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। तो फ्रेंड आज मैंने ये वीडियो बनाई है कैसे अपनी सिविल रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप देखते हैं आपको डाउनलोड का ऑप्शन तो नज़र आ रहा है, मगर क्या होता है आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कुछ वेट का ऑप्शन आ जाता है। तो फ्रेंड इसमें मैं बता देता हूँ आपको, जो रिपोर्ट होगी एक महीने पुरानी रिपोर्ट इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभी रिपोर्ट इसमें दिखा रहा है फरवरी 2018 की रिपोर्ट इसके अंदर अभी दिखा रहा है फ्रेंड। तो आपको जो डाउनलोड करनी है जनवरी 18 की रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है। जनवरी 18 की आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी और फरवरी 18 की डाउनलोड करेंगे वो आपकी होगी मार्च में, ठीक है फ्रेंड। आपको एक महीने पीछे की ही रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है। तो हम इस पर क्लिक करके देखेंगे डाउनलोड कैसे होगी फ्रेंड। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा जो भी इस रिपोर्ट का जो आपका पासवर्ड होगा वो होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपकी जो सिविल स्कोर की जो रिपोर्ट है वो फ्रेंड ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड हम इसी को पहले डाउनलोड कर लेते हैं, तो हम क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा क्लिक करते हैं के साथ ही हमारी जो है रिपोर्ट जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है आपको पीडीएफ फाइल में खोलने की, जिसमें भी आपको खोलनी है वो खोल सकते हैं। तो हम इसको पीडीएफ में ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही हमने पीडीएफ पे ओपन पे क्लिक किया तो इसमें मांग रहा है हमारा पासवर्ड, तो हम इसमें अपना पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, अपना डाल देते हैं अपना पासवर्ड। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने अपना पासवर्ड इसके अंदर डाल दिया। तो हम जैसे ही पासवर्ड डालने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारी जो है सिविल रिपोर्ट जो है डायरेक्ट ओपन हो चुकी है। ऊपर देख सकते हैं मेरा नाम आ गया मोहन लाल स्कोर रिपोर्ट, आपके सामने ऐसी टाइप की रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं पहले जो मेरा सिविल स्कोर था वो था 703, जो अब बढ़ के हो चुका है 753। एक महीने के अंदर अंदर मेरे जो हैं 50 पॉइंट जो है इंक्रीज हो चुके हैं। तो आपको सिविल स्कोर जो है इंक्रीज कैसे करना है और ज़्यादा बढ़ाना कहते हैं, तो फ्रेंड इसके रिकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपने सिविल रिपोर्ट को आप कैसे बढ़ा सकते हैं और भी ज़्यादा। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस टाइप से अपनी रिपोर्ट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और फ्रेंड मैं कहना चाहूँगा कि आपको देखो इस टाइप का पेज ओपन आता है, इसमें आपको देखो शो करता है, अभी इसमें दिखा रहा है नेक्स्ट रिपोर्ट में आपको दिखा रहा है ये जो है मार्च 3, 2018 में नेक्स्ट रिपोर्ट इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट रिपोर्ट में आपका जो सिविल होगा आपका हाई होता है सिविल डाउन होता है या कैसे होता है तो मैं बता देता हूँ। जो भी आपका रिपोर्ट होती है ना वो होती है आपकी बैंकिंग के ऊपर, जैसे कि आपका कोई चेक बाउंस होता है या आपका DD बाउंस होता है या आपकी कोई EMI बाउंस होती है, तो उसके हिसाब से आपकी सिविल स्कोर जो है अप डाउन होता रहता है।
तो इसी मारे फ्रेंड जो मेरी नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी आप देख सकते हैं, अभी इसमें लिखा है नेक्स्ट रिपोर्ट मार्च 3, 2018 में आएगी फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं मेरी जनवरी की रिपोर्ट जो थी, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में आपको नज़र आ रहा है, जनवरी की रिपोर्ट जो थी मेरी जनवरी 18 की रिपोर्ट में मेरा जो सिविल था 703 था। अब जो बढ़ के देख सकते हैं फरवरी की रिपोर्ट में मेरा 753 हो चुका है। तो फ्रेंड इस टाइप से अपना सिविल भी आसानी से चेक कर सकते हैं और रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर भी करें। और मेरे नए मेहमान ऐसे गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निक वाली वीडियो पर डे अपलोड करता हूँ जो फ्रेंड आप सभी के लिए हेल्पफुल होती है। फ्रेंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।